हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस, 30,000 रुपये के अंदर आप कोई स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हो तो बिल्कुल ही सही वीडियो के ऊपर आए हो। 5 ऐसे अलग अलग ब्रांड के आपको 5 कमाल के स्मार्टफोन बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। एंड गाइस, आप इजीली कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप अपने प्राइस के अकॉर्डिंग, स्पेक्स के अकॉर्डिंग, जो आपको नीड है उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी स्मार्टफोन इस लिस्ट के अंदर चूज कर लेना। आपको कोई भी दिक्कत है या पछताना आपको नहीं पड़ेगा। सो गाइस, चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से जरूर करना। इस लिस्ट के अंदर गाइस नंबर 5 के ऊपर आता है हमारे पास ओप्पो की तरफ से आने वाला ओप्पो रेनो 7 5G। ओप्पो की तरफ से आने वाला ये डिवाइस काफ़ी कमाल का है, बट गाइस यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट भी आपको देखने को मिलेंगे। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में, जहाँ पे आपको 6.4 इंचेस की फुल HD 90GHz रिफ्रेश रेट के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। इस डिवाइस के डिस्प्ले यहाँ पे मैं कहूँगा बेटर है, अच्छी है, बट गाइस इस प्राइस रेंज के अंदर आपको यहाँ पे कम से कम 120GHz रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले देनी चाहिए थी। तो गाइस ये यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है, बट 90GHz रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले भी काफी कमाल की है। आप सभी जानते हैं कि ओप्पो के जो स्मार्टफोन है काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं। अब बात करते हैं इस डिवाइस के जो कैमरा मॉड्यूल की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर है, 4K तक की वीडियोस को शूट कर सकते हो, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिलता है। ओप्पो के डिवाइस के अंदर कैमरा है तो कैमरा काफ़ी अच्छा ही देखने को मिलेगा। 4500mAh की बैटरी, 65W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है। एंड गाइस ये भी आपको सेटअप काफ़ी कमाल का देखने को मिलता है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 वाला एक 5G चिपसेट देखने को मिलता है। एंड गाइस चिपसेट है जो काफ़ी कमाल का है, 4 लाख से ज़्यादा इसका अंत स्कोर निकल के आता है। बट गाइस इस प्राइस रेंज के अंदर आपको इससे भी ज़्यादा हायर है जो मिलना चाहिए था परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली, बट इतना अच्छा आपको यहाँ पे जो आपको यहाँ पे मीडियाटेक 900 एक 5G चिपसेट ही देखने को मिलता है। LPDDR4X UFS 2.2 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसके साथ यहाँ पे परफॉर्मेंस है जो इसकी ज़्यादा और इनहेंस नहीं हो पाती है। ये अगर यहाँ पे LPDDR5 एंड UFS 3.1 मिलता तो ज़्यादा बेटर होता। अदर फीचर की बात करें तो गैस 3.5mm जैक, यहाँ पे 7.8mm की थिकनेस, एंड गैस यहाँ पे ब्लैक ब्लू के अंदर आपको कलर देखने को मिल जाता है। 13 5G बैंड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। एंड गैस प्राइसिंग की बात करें तो 8+256GB रैम वेरियंट आपको 29,000 रुपये के अंदर देखने को मिलता है, यानी 29,000 के अंदर। अब गैस यहाँ पे जो मिसिंग है गैस वो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक तो परफॉर्मेंस आपको इतनी अच्छी नहीं निकाल के देता, बिकॉज यहाँ पे मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 है, फिर भी यहाँ पे आपको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलती है, बिकॉज इसको अच्छे ढंग से ऑप्टिमाइज एंड यहाँ पे जो इसका रैम स्टोरेज वाला सिस्टम है वो इतना ज़्यादा लो यहाँ पे दिया गया है इस प्राइस रेंज के अंदर। एंड सेकेंडली आपको यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर्स भी नहीं देखने को मिलते। बाकी अगर आप ओप्पो के फैन और कोई ओप्पो का स्मार्टफोन देखना चाहते हो इस प्राइस रेंज के अंदर तो ये फ़ोन ठीक है, फिर भी ओप्पो रेनो 7 5G। अब बात करते हैं गाइस इस लिस्ट के अंदर नंबर 4th के ऊपर आता है हमारे पास वन प्लस की तरफ से आने वाला वन प्लस नोट 2। एंड गाइस अगर आप कोई वन प्लस का स्मार्टफोन देख रहे हो इस प्राइस रेंज के अंदर तो आप इस डिवाइस की तरफ जा सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन है, जिसके अंदर आपको 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, फुल HD के साथ 90GHz रिफ्रेश रेट की, एंड 120 का आपको यहाँ पे टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है। HDR10+ वाली डिस्प्ले है। एंड गाइस यहाँ पे आपको 650 की निट्स ब्राइटनेस देखने को मिलती है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। गैस डिस्प्ले इस डिवाइस की काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, आपको यहाँ पे इंडोर, आउटडोर एंड गेमिंग वगैरह के लिए भी काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आएगी। बैटरी की बात करें तो 4500mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 65W का आपको यहाँ पे फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। कैमरा मॉड्यूल में आपको यहाँ पे 50MP +8+2 का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 4K तक की वीडियोस को शूट कर सकते हो, 32MP का सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिलता है। एंड्रॉयड 11 के ऊपर आता है, ऑक्सीजन OS आपको देखने को मिलता है। प्रोसेसर की बात करें तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 एक 5G चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 6nm बेस्ड है, एंड 11 बैंड 5G का सपोर्ट देखने को मिलता है इस डिवाइस के अंदर। सो गाइस ये डिवाइस एक 5G के साथ साथ परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको एक ट्रूली और फ्यूचर भी फ़ोन आपको देखने को मिलता है। अगर आप 30,000 रुपये पे कर रहे हो किसी फ़ोन के ऊपर तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, एंड ये उसके लिए काफ़ी अच्छा डिवाइस है। अनदर फीचर की बात करें तो गाइस 8.3mm की थिकनेस, डुअल स्टीरियो स्पीकर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, UFS 3.1 का सपोर्ट, LPDDR4X का सपोर्ट देखने को मिलता है। फाइनली प्राइसिंग की बात करें तो 8+128GB रैम वेरिएंट आपको 30,000 रुपये के अंदर देखने को मिलता है। एंड गाइस 30,000 के अंदर ये वन प्लस नोट 2 काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है।
सो गाइस, इस लिस्ट के अंदर नंबर थर्ड के ऊपर आता है हमारे पास गेमिंग लवर के लिए लेटेस्ट ही आया IQ की तरफ से आने वाला IQ 9 SE। गेमिंग के लिए ये स्पेशली स्मार्टफोन और काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, जिसके अंदर आपको 6.6 इंचेस की फुल SD सुपर एमोलेड 120 GHz की रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले, HDR 10 प्लस का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है एंड गाइस 1300 का नीट्स ब्राइटनेस सपोर्ट देखने को मिलता है। सो गाइस, डिस्प्ले इस डिवाइस की काफ़ी अच्छी है बिकॉज आपको गेमिंग के लिए कुछ ऐसी ही डिस्प्ले देखने को मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। इस डिवाइस का प्राइसिंग थोड़ा सा 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा है, बट गाइस सेल वगैरह के अंदर ये अभी आपको डिवाइस है जो 30 हज़ार रुपये के अंदर देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 888 5G चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि नेक्स्ट लेवल का और काफ़ी कमाल का चिपसेट है। 5nm बेस्ड है, 8 बैंड का आपको यहाँ पे 5G का सपोर्ट देखने को मिलता है। ट्रिपल कैमरा सेटअप बैक की तरफ देखने को मिलता है, 4K तक की वीडियोस को शूट कर पाओगे। 48 मेगापिक्सल प्लस 13 प्लस 4 एंड गाइस यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाता है। 4500mAh की बैटरी है, 66 वोल्ट का फास्ट चार्जर, एंड्रॉयड 12 के ऊपर आता है, फ्रंट टच OS के साथ वर्क करता हुआ आपको दिखाई देगा। अनदर फीचर की बात करें तो गाइस 8.4mm की थिकनेस, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, डुअल सिम इन डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट सेंसर, UFS 3.1 का सपोर्ट, LPDDR5 के साथ देखने को मिलता है। 8+128GB रैम वेरिएंट वैसे तो आपको 34 हज़ार रुपये के अंदर देखने को मिलता है, बट गाइस जब आप इसको सेल या कार्ड वगैरह यूज़ करके परचेज करोगे तो ये आपको 30-31 हज़ार रुपये के अंदर देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस इस प्राइस रेंज के अंदर अगर आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 888 जैसा चिपसेट देखने को मिल रहा है तो ये नेक्स्ट और काफ़ी कमाल की बात है। सो गाइस, ये काफ़ी कमाल के स्मार्टफोन है। अगर आपको इस लिस्ट के अंदर ये तीनों स्मार्टफोन पसंद नहीं आए तो आने वाले दो स्मार्टफोन आपको डेफिनेटली पसंद आने वाले हैं। सो गाइस, नंबर सेकंड के ऊपर आता है हमारे पास एक नॉन चाइनीज ब्रांड सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग गैलेक्सी A52S 5G, जो कि लेटेस्ट और काफी कमाल का डिवाइस है, जिसके अंदर आपको 6.5 इंचेस का फुल HD 120 GHz रिफ्रेश रेट के साथ सुपर एमोलेड गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि काफी कमाल की है। प्रोसेसर की बात करें तो 778G वाला चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि ऑक्टा कोर के ऊपर वर्क करता है एंड परफॉर्मेंस के लिए आपको LPDDR4X UFS 2.1 का सपोर्ट देखने को मिलता है। क्वाड कैमरा सेटअप बैक की तरफ देखने को मिलता है, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर है, 4K तक की वीडियोस को शूट कर सकते हो, 32 मेगापिक्सल का भी आपको सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिलता है जहां से भी आप 4K तक की वीडियोस को शूट कर सकते हो। 4500mAh का यहां पे आपको बैटरी देखने को मिलती है, 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ चार्जर देखने को मिलता है, 12 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो गाइस, ओवरऑल इस डिवाइस की जो डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी, आपको यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है जो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है इस प्राइस रेंज के अंदर, वो भी सैमसंग की तरफ से। 3.5mm जैक्स, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, IP रेटिंग 67, 8.4mm की थिकनेस एंड गाइस 8+128GB रैम वेरियंट 30,000 के अंदर आपको देखने को मिलती है। सो गाइस, यहाँ पे काफ़ी अच्छी और काफ़ी कमाल की बात है एंड काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। अगर आप कोई सैमसंग का अच्छा स्मार्टफोन देख रहे हो इस प्राइस रेंज के अंदर तो सैमसंग गैलेक्सी A52S 5G की तरफ आप जा सकते हो। यहाँ पे गाइस आपको बस दो चीज़ों का ही यहाँ पे आपको जो है कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एक तो आपको इस प्राइस रेंज के अंदर प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलती है कम्प्लीटली, एंड गाइस सेकेंडली आपको यहाँ पे जो चार्जिंग है वो 25 वोल्ट की यानी थोड़ी स्लो है, बट गाइस ओवरऑल देखें तो डिवाइस काफ़ी कमाल का है। सो गाइस, अगर आपको ये चारों के चारों फ़ोन ही पसंद नहीं है और अब आपका कंफ्यूजन ये है कि मुझे कोई ब्रांड से मतलब नहीं, मुझे बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए, चाहे कोई सा भी ब्रांड हो और 2-3 हज़ार रुपये में ऊपर भी खर्चने को तैयार हूँ, तो आप Realme GT Neo 3 की तरफ जा सकते हो, जो कि लेटेस्ट डिवाइस है और नेक्स्ट लेवल का डिवाइस देखने को मिलता है। फ्लैक्सी लेवल के आपको फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। 6.7 इंचेस का फुल HD 120 GHz रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, मीडियाटेक डायमंड सिटी यहाँ पे आपको लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिलता है 8100, LPDDR5 UFS 3.1 का सपोर्ट देखने को मिलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ट्रिपल कैमरा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर है जहाँ से आप 4K तक की वीडियोस को शूट कर सकते हो एंड गाइस उसी के साथ OIS का सपोर्ट भी देखने को मिलता है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाता है, 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है एंड गाइस यहाँ पे आपको 150 वोल्ट का यानी 150 वोल्ट का एक हायर चार्जर देखने को मिलता है, जो कि आपको कुछ ही सेकंड के अंदर
आपकी जो बैटरी है वो कंप्लीट की कंप्लीट चार्ज करके छोड़ देगा। कुछ 5 या 7 पता नहीं 10 मिनट के अंदर आपकी पूरी की पूरी बैटरी है जो चार्ज हो जाएगी। 150 वॉट का चार्जर, आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा हाई है इस प्राइस रेंज के अंदर। एंड गाइस उसी के साथ आपको 8.2 mm की थिकनेस, 3.5 mm जैक जैसे फीचर्स भी आपको यहाँ पे कम्प्लीटली सबका सब कुछ देखने को मिल जाएगा। कुछ भी आपको मिसिंग यहाँ पे नहीं है। 8+128 GB रैम वेरियंट आपको वैसे तो 35,000 रुपये के अंदर देखने को मिलेगा, बट गाइस ऑफर एंड कार्ड वगैरह लगा के आप इसको कुछ 32,000 के अंदर आपको सेल वगैरह के अंदर देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस रिसेंटली है जो सेल चल रही है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, आपको अच्छे खासे ऑफर्स भी देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस आज की वीडियो यहीं तक, एंड काफ़ी कमाल की वीडियो, काफ़ी कमाल के स्मार्टफोन है। आपके इसके बारे में क्या राय, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर से अपनी राय देना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल ही फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।